जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्टॉक है जिसका नाम है विकास इकोटेक, और ये स्टॉक अभी ग्रोइंग फेज में है। काफी समय से हम लोग इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, और कवर करने के साथ साथ काफी सारे लोगों ने इस स्टॉक में पैसा बनाया भी है। आगे भी इसमें पैसा बनाने के लगातार मौका मिलते रहेंगे। इसी नए अपॉर्चुनिटी को इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि जो नए लोग हैं उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सके। साथ में जिसका पहले से इस स्टॉक में पैसा लगा हुआ है उनको अभी आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है इस स्टॉक में ताकि कुछ गड़बड़ ना कर सके, इस पर भी स्पेशली बात होगी। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं, हर एक पहलू को इसमें समझेंगे कि कहां पे क्या करना है, और आपको डिटेल में बताऊंगा कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट और आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस को लेकर क्या होने वाले हैं, सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो आप इस स्टॉक को आप बीएस इंडिया वेबसाइट पर देखते हैं तो बीएस इंडिया काफी रिलायबल वेबसाइट है, इसपे सभी स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो विकास इकोटेक पाएंगे कि इसमें कोई भी रेड फ्लैग नहीं लगा है यहाँ पे, ना तो ये स्टॉक ईएसएम ना तो जीएसएम कैटेगरी में नहीं है। सामान्यतः जो पेनी स्टॉक होते हैं ना आपको इसमें कोई ना कोई रेड फ्लैग देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यही वजह है कि इस स्टॉक में आपको धीरे धीरे तेजी देखने को मिले, तकरीबन 1% के करीब आज सिर्फ आज ये स्टॉक चढ़ते हुए नजर आया। और जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो पाएंगे कि ये स्टॉक में मतलब जिस हिसाब से तेजी आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए तकरीबन 1.5 टाइम्स कर सकते हैं कि इस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा है सिर्फ कल के डेट में। ये नई न्यू बायर्स इस स्टॉक में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ओवरऑल जिस सेक्टर का एक स्टॉक है कंपनी है, सेक्टर एक ग्रोइंग है, तो ओवरऑल जब सेक्टर ग्रो करेगा तो उस कंपनी उसमें काम करने जो कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस में भी तेजी आएगी और प्राइस भी ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें नजर बना के रखना जरूरी है। अब यहाँ पर समझिए जो नए व्यक्ति हैं जिनको अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जो स्टॉक है आपको दिख जाएगा कि ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करता है, स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में कंपनी काम काज करते हुए आपको नजर आएगी। और केमिकल एक ऐसा चीज़ है जो शायद ही कोई ऐसा डेली यूज की चीज़ इसमें यूज न किया जाता हो, नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक की चीज़ों में आजकल केमिकल का यूज किया जाता है, काफ़ी जरूरी चीज़ होता है केमिकल। तो इसलिए जो ओवरऑल इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री, ये काफ़ी ग्रोइंग फेज में है इन दिनों, और आने वाले समय में इसमें इस सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस में आपको और भी बूम देखने को मिलेगा। तो ये काम के बेसिस पर हमने समझा, काम काफी बढ़िया, और इसके बेसिस पर कह सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में भी तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। मार्केट कैप तकरीबन 550 करोड़ के आसपास से, मैं क्या बात करता हूँ, पेनी स्टॉक सामान्यतः 100 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन उसका उससे अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक समझा जाता है। यहाँ पे तो इसका जो वैल्यूएशन है 500 करोड़ के आसपास काफी बढ़िया है, और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं इस कंपनी का, आरओसी भी देखते हैं, तो ये भी आपको 2 और 4% के आसपास दिखते हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में कंपनी कम से कम 2% का रिटर्न निकालकर देने का दमखम रखती है। तो ये काफी यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक छोटे स्टॉक में इतना शानदार आपको आरओई मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कंपनी का करंट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल हर एक चीज हमें इस स्टॉक में बढ़िया नजर आता है। जब आप कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो क्वार्टर्स के नंबर देख लीजिए, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, यानी कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आ गए हैं। मार्च क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे इसके सेल्स में होते हुए दिखा है, लेकिन कुछ नंबर बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल एक यदि एवरेज निकाले पिछले कुछ क्वार्टर से तो एवरेज आपको बराबर ही इसमें मिलेगा। वहीं पे कंपनी के चूंकि सेल्स कम है थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम होते हुए दिखा है, लेकिन ये चूंकि क्वार्टर्स के नंबर 3-3 माह पर आते रहे तो अगले 3 मंथ के बाद जो क्वार्टर वन का नंबर आएगा ये न्यू फाइनेंशियल ईयर का, इसमें आपको अच्छा और बेहतर रिजल्ट पिछले क्वार्टर मुकाबले आते हुए दिखेगा। हालांकि जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पाएंगे कि इस कंपनी के पास जो कर्ज है, कर्ज कितना है, सिर्फ 19 लाख के आसपास, तो कर्ज लगातार कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे तो कम किए हैं, यानी कि कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है तो उसका सही जगह पर यूज करे, तब जाके कंपनी का कर्ज कम हो रहा है, और कहीं ना कहीं कंपनी का रिजर्व जो पैसा है जो कैश फ्लो होता है वो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी कि हर एक चीज, चाहे कंपनी का काम हो, चाहे कंपनी का फंडामेंटल हो, चाहे कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस हो, सब चीज आपको इसमें बेहतर नजर आ रहा है। टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चार्ट पर, टेक्निकल में देखेंगे, एक साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ, और अभी यहाँ पे दिखेगा कि ये स्टॉक एकदम अपने रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ा हुआ है। हालांकि वैसे है तो ये रेंज बाउंड में कंसिडरेशन फेज में है, लेकिन अब इसका समय आ गया है प्राइस को इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने का, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब कंसिडरेशन रेंज में होता है काफी समय से तो वो जब निकलता है उस रेंज से बाहर तो ऊपर की तरफ निकलता है, ब्रेकआउट ही होता है उसमें, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और ये प्राइस इस बार जब इससे ऊपर निकलेगा तो यूजली आपको 5-7-8 रुपए तक जाते हुए, बहुत शॉर्ट टर्म में बात करूँ वहां पर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ से यदि आप देखेंगे तो प्राइस का ग्राफ आपको ऊपर की तरफ बनेगा और रेंज बाउंड चुकी है तो इसलिए भी कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलेगा यदि आप इससे ऊपर निकलने पर बाई करते हैं तो एक शॉर्ट टर्म में मतलब बेहतर पैसा बनाने का, नए लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसको एवरेजिंग करना है वो भी कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो मैंने आपको बता ही दिया विकास इकोटेक लॉन्ग टर्म में और ज्यादा आपको कमाल का रिटर्न निकाल कर देने वाला है, तो बेशक आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मनो कोई दूसरा सवाल कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जरूर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।